Hello and welcome dear students to Unacademy JEE channel. You are watching JEE Live daily series and I am your mathematics mentor Samir Chincholikar. आज आपका lecture number 7 है application of derivatives का. Last जो class हुई थी बच्चों हमारी थोड़ी पहले हुई थी, Sunday को हुई थी. Hopefully आप सब continuation में चीजें follow कर रहे हो, ठीक है? Sunday के बाद अब Friday को हमारी class हुई है और हमें अब कुछ एक lectures और चाहिए application of derivatives complete करने के लिए, ठीक है? It is one of the most important portions of differential calculus. इसको आपने lightly बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. इसके अंदर के जो concepts हैं वो बहुत अच्छे से पकड़ो और उन पे प्रैक्टिस करो, ठीक है? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको ऐसा लग सकता है कि यहां पर एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में आईआईटी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो ओके समझ में नहीं आए, ठीक है? तो यहां पर डेफिनेटली आपने ये टारगेट करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसके देखो. जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स चैप्टर के देखोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, ठीक है? ऑलराइट, तो बच्चों यहां पर आई एम समीर चिंचोलिकर, I am the mathematics mentor and I have been teaching for IIT JEE for more than 10 years now and similar experience holds with other members of the team, Jayant sir, Paras sir, Namo sir and myself, ठीक है? तो यहाँ पर हम आपकी max to max मेहनत करने मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आप भी अपनी मदद करो, है ना? आप भी पढ़ाई करो, रेगुलरली पढ़ाई करो. जितना आप रेगुलरिटी मेंटेन करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रिपरेशन में फ़ायदा होगा, ठीक है? जैसे काफ़ी सारे बच्चे अभी से पूछने लग गए हैं सर कि यहाँ पर जो बैकलॉग हो रहा है उसको हम कैसे कवर करें, ठीक है बच्चों? तो वो बिल्कुल गलत बात है. यहाँ पर एक्चुअली बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है? सो मेक श्योर कि अगर बैकलॉग क्रिएट हो गया है देन आगे और उसको बढ़ने नहीं देना है, ठीक है? अगर आपका एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स अभी चल रहा है तो मेक श्योर दैट आप मैक्सिमम मिनिमा, जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर दैट ऑन टाइम आपका मैक्सिमम मिनिमा सही से कंप्लीट हो गया है विथ प्रैक्टिस, ठीक है? ताकि आप लेट से आपका मोनोटोनसिटी या लेट से नहीं हुआ है तो कम से कम आपके उस वहीं तक का बैकलॉग होगा, ठीक है? ऑलराइट, सो विद दैट पर्टिकुलर नोट लेट अस मूव ऑन. यहां पर बच्चों हम सारे के सारे टीचर्स आपको मिलेंगे अनअकैडमी प्लस पर भी. अनअकैडमी प्लस जो है क्योंकि एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर और भी काफी सारी फैसिलिटीज है जो आप जाकर देख सकते हो एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट लॉट ऑफ यू स्टूडेंट्स आर एक्चुअली कमिंग देयर एंड एक्सप्लोरिंग कि यहां पर क्या क्या चल रहा है, क्योंकि मैं यहां पर ले रहा हूं स्पेशल क्लासेस जिसमें काफी सारे बच्चे इन्वॉल्व है और बता दें कि हम यूट्यूब के थ्रू आपके पास आए हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि यू आर ओपन टू exploring new platforms other than YouTube जहां पर पढ़ाई actually ज्यादा अच्छे से होने के chances होते हैं, ठीक है? ऑलराइट, तो यहां पर आपके पास बच्चों other than the material that we are providing like DPPs and other things, यहां पर आपके doubt lectures जो होते हैं that I think is very important, है ना? तो doubt lectures attend करो, है ना? और उसके अंदर अपने doubts clear करो ताकि आपको proper boost मिले अपनी तैयारी के लिए, ठीक है? लेकिन बच्चों backlog वाली जो मैंने बात कही उसको ध्यान रखना, backlog आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऑलराइट, और Unacademy Plus पर कम से कम ये फैसिलिटी है कि अगर आपका कुछ छूट गया है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो वी आर टेकिंग इमर्ज एंड इवॉल्व बैचेस विच आर लॉन्ग टर्म कोर्सेज फॉर योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है? तो वहां पर ये फैसिलिटी है कि आपका अगर बाय चांस कोई टॉपिक छूट गया है देन सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो और बाकियों के बराबर आ सकते हो टू गेट इन फ्लो विद द कंटेंट विच इज गोइंग ऑन लाइव, ठीक है? तो वो फैसिलिटी डेफिनेटली आपने यूज करना चाहिए अगर आप अब ज्वाइन करना चाह रहे हो Unacademy Plus, ठीक है? वहां पर रिकॉर्डेड सेशंस जो है वो देखो और बाकियों के बराबर जल्दी से आ जाओ, डाउट पूछो और बाकियों के जैसे ही आप फिर तैयारी स्टार्ट कर सकते हो करना, ठीक है? ऑलराइट, और बच्चों करना क्या है, बहुत ही सिंपल है. मोबाइल में Unacademy लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और उसकी मदद से आपको फिर क्लासेस अटेंड करने को मिल जाएगी. एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेने की देर है बस, ठीक है? सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो IIT JEE सेक्शन का लेना. Unacademy पर और भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं. इट इज़ नॉट द IIT JEE विच इज़ गोइंग ऑन Unacademy, ठीक है? तो यहाँ पर आपको IIT JEE सेक्शन को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्रिप्शन के आपके पास अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे. अलग अलग ऑप्शंस जो हैं आपके पास वो क्या है कि कितने टाइम के लिए आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, ठीक है? तो आई गेस यहाँ पर जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कम से कम जो लेटेस्ट टारगेट है क्लियर करने का IIT दैट इज़ 2020, ठीक है? तो 2020 के लिए आपने एटलीस्ट 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए जो आपको मंथली देखा जाएगा तो भी काफ़ी कम रेट में पड़ता है, ठीक है बच्चों? ऑलराइट, और अगर आपको उसको और कम करना है देन डेफिनेटली वी आर विथ यू. JEE लाइव कोड जो है वो आपका प्रोमो कोड है जो एक्चुअली आपकी प्राइस फर्दर 10% से रिड्यूस कर देता है. तो आप अगर एक्सप्लोर कर रहे हो और आप ज्वाइन करना चाहते हो देन आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि आपका बैकलॉग अदरवाइज फिर बढ़ते जाएगा, ठीक है? जितने जल्दी आप कंटिन्यू करोगे पढ़ाई बाकियों के साथ में उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा आपके आगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है? ऑलराइट, तो JEE लाइव कोड इज समथिंग दैट यू कैन यूज टू एनरोल एंड गेट एडिशनल डिस्काउंट, और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है? ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा लेक्चर हर बार की तरह होमवर्क डिस्कशन से. अच्छा, मैंने कमेंट्स देखे तो कमेंट्स में बच्चों ने इसके आंसर दिए थे, साथ में कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे सर लेक्चर 5 में क्वेश्चन दिया था आपने जो डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में वो वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने लेक्चर 5 में दिया था ताकि आपका कुछ भी डाउट ना रहे, ठीक है? ऑलराइट, लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6 इसके 2-3 जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे हमारे ट्रैक पे विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है?
ठीक है. मैक्सिमम मिनिमा का हम बेसिक लेवल का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके ऊपर से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, उसके काफी बढ़िया से क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. अभी जो हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले, इसमें आकर फिर से रिविजन हो जाएगा अप टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे एनथ डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ. कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है. अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो करना क्या है, तो हमें और आगे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव भी जाना पड़ता है. वो वाला डिस्कशन हम आज डेफिनेटली करेंगे और आगे बढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा के साथ में. ठीक है, ऑलराइट. इंटीग्रेशन कब स्टार्ट होगा, किंग गांधी इज आस्किंग कि इंटीग्रेशन कब स्टार्ट होगा. बस आ गया इंटीग्रेशन का भी टाइम, है ना. आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट फाइनली दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी ओवर और हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस विद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सब पढ़ने वाले हैं हम लाइन से, लेक्चर ध्यान से, लेकिन बच्चों इनडेफिनेट के सारे अटेंड करना आप. ठीक है, इनडेफिनेट में फ्लो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने अगर बीच में एक भी टाइप मिस किया तो हो सकता है अगले वाले क्वेश्चन में वो लग रहा होगा, है ना, और मिक्स बन के प्रॉब्लम आ गया तो आपको यहाँ पे करते नहीं आएगा. ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल द इंटीग्रेशन लेक्चर्स वेरी केयरफुली विद वेरी डिसिप्लिन. ठीक है, ऑल राइट. और उतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन में. इंटीग्रेशन बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का एक्चुअली आप लेवल अपना बोर्ड्स का भी उठा के देखो, यू विल बी सरप्राइज कि बोर्ड्स का भी लेवल एक्चुअली इंटीग्रेशन का काफी ठीक है ना, एज कम्पेयर टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑन ऑल काफी ठीक ठाक लेवल है. चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन. होमवर्क क्वेश्चन का इसका आंसर आया किसी को? यस, कैन एनिवल टेल बी इसका आंसर कितना आ रहा है? एनडीए के लिए बुक बेटा आई डोंट नो रियली, है ना, जहाँ पर मेरा एक्चुअली मास्टरी नहीं है उसके अंदर मैं ज़्यादा सजेस्ट भी नहीं करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर एनडीए के लिए बेटा मैं सही पर्सन नहीं हूँ पूछने के लिए, है ना. तब भी मैं देख के रख सकता हूँ ऐसी चीज़ें, ताकि विद टाइम अगर बच्चे से डाउट पूछे तो मैं क्या आंसर करूँ. ऑलराइट, बट आज के दिन तो मेरे पास आंसर नहीं है इस बात का. ठीक है, ऑलराइट. चलो तो यहाँ पर बच्चों ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था. इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने लेक्चर 5 में किया था और उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क करने के लिए. तो यहाँ पर बच्चों आप क्या देखते हो कि अगर आपको एनालाइज करना है कि बी का कितना वैल्यू होना चाहिए ताकि आपका ये स्मॉलेस्ट वैल्यू बनाए एक्स इक्वल टू 1 पे, तो हमने क्या बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट वाली क्वांटिटी उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. क्या सोचो कि यहां पर आपके पास केवल दो चीजें हैं, है ना, 1 से लेके 3 के बीच में आपके पास 2x-3 है एंड 0 से लेके 1 के बीच में आपके पास केवल x क्यूब है. पहले इतना ही एनालिसिस करते हैं, बाद में सोचेंगे आगे पीछे की बातें. ठीक है, ऑलराइट. तो इसका ग्राफ बनाना बच्चों बहुत ही आसान है, एक्चुअली आईआईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन लगा मुझे, है ना. तो ये कितना आएगा आपके पास, 1 डालने पे कितना बनेगा बच्चों, नीचे वाला डेफिनेशन देखो, 1 डालोगे तो इसके अंदर बनेगा -1, 1 डालते हैं तो इसके अंदर बनता है -1. ठीक है, ऐसा कुछ तो आएगा ये फिगर. ऑलराइट, और यहां पर अगर 3 डालता हूं तो कितना बनेगा, 3 डालेंगे तो बनेगा 3, तो 3 डालने पे 3 बनेगा. तो ऐसे कुछ, तो ये दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा नीचे वाला डेफिनेशन प्लॉट हो जाएगा बड़ी आसानी से. ठीक है, इस तरह से प्लॉट हो जाएगा. यस, आगे क्या करना है, मुझे -x³ ड्रॉ करना है. तो -x³ के बारे में कुछ पता है बच्चों आपको, +x³ के बारे में पता है? +x³ अगर पता होगा तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करके उसका -x³ भी बना लेंगे. ठीक है, तो यहां पे मैं पहले +x³ बना के दिखाता हूं आपको. +x³ ऐसा होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ठीक है, अच्छा अब इसका माइनस करना है मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ ऐसा उल्टा हो जाएगा. तो ग्राफ अगर ऐसा उल्टा हो रहा है तो आपको कौन सा पोर्शन प्लॉट करना है, आपको इतना सा पोर्शन प्लॉट करना है जो 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ये फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से. ठीक है, तो आपको कैसा ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ ग्राफ ड्रॉ करना है नीचे जाने वाला. क्लियर है, तो ऐसा ये टिक मार्क जैसा कुछ तो ये ग्राफ बन चुका है. ऑलराइट, अब आप क्या करना चाह रहे हो, अब आप ये बताना चाह रहे हो कि अगर मैं x³ में कुछ ऐड करूंगा, x³ में अगर कुछ ऐड करूंगा तो चीजें ऊपर जाएंगी, x³ में कुछ सबट्रैक्ट करूंगा तो चीजें नीचे जाएंगी, तो मैं -x³ को ऊपर ले जाना चाह रहा हूं या नीचे ले जाना चाह रहा हूं, यहां पे हम वो देखना चाह रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट, चलो समझते जाओ यहां पे ध्यान से. हाँ, यहां बच्चा क्या पूछ रहा है, कॉम्बिनेशन का लास्ट लेक्चर. अरे बेटा अरे यहां पे अभी भी कुछ बच्चों को शेड्यूल याद नहीं हुआ है ना, मंडे ट्यूजडे वेंसडे 11th के लेक्चर्स होते हैं. ठीक है, ओपी सिंह, यहाँ पर आपके एक्चुअली लास्ट लेक्चर नहीं, क्वांटिटेशन कॉम्बिनेशन के काफी सारे लेक्चर्स अभी बचे हैं आपके. ठीक है, वो कब होंगे, लेकिन मंडे ट्यूजडे वेंसडे होंगे, क्योंकि वो 11th का शेड्यूल है. ठीक है, अभी 12th का शेड्यूल चल रहा है, ये हमने कंटिन्यू कहाँ से किया है, लास्ट संडे जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से हमने कंटिन्यू किया है. ठीक है, ऑलराइट, चलो तो यहाँ पर ये सम स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर. बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अर्पण का आंसर मुझे बहुत बढ़िया लगा. ठीक है, ऑलराइट, चलो वैसे ही बच्चे यहाँ पे आगे देखो और क्या करना है आपको. यहाँ पर आप ये नोटिस करो बच्चों कि यहाँ पे इक्वालिटी कहाँ लगा है, इक्वालिटी एक्चुअली कहाँ लगा है, 1 पे नीचे लगा है. मतलब यहाँ पर आपको अगर पॉइंट प्लॉट करना है तो आपने यहाँ पे डार्क कहाँ करना चाहिए, यहाँ पे डार्क करना चाहिए, और ये लाइट ब्लू वाला जो कलर है आपका ये ओपन सर्कल है. ठीक है, तो आप अगर इसके अंदर कुछ ऐड करोगे तो ये जो लाइट ब्लू वाला कलर है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कुछ ऐड करेंगे तो. ठीक है, तो आपका फिगर कैसे दिखाई देगा आपको, फिर उस केस में ऐसा फिगर दिखाई देगा कुछ. नाउ इन दिस केस क्या आपको लगता है कि मैंने अगर कुछ ऐड कर दिया इसके अंदर तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो मेरा मिनिमा का सिनेरियो बनेगा, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बनेगा. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो, अगर आप इसके अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो लाइट ब्लू वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा. ठीक है, उस केस में आपका ये जो पॉइंट है वो तो यहीं रह गया, रेड डॉट से दिख रहा है सबको, ये पॉइंट तो यहीं रह गया, क्योंकि 1 पे कौन किसकी बात माननी है, मुझे नीचे वाले फंक्शन की बात माननी है. ठीक है, अच्छा अब मैं अगर उसके राइट में जाता हूँ, थोड़ा सा उसके राइट में जाता हूँ तो मुझे वैल्यू ऊपर जाते हुए दिख रही है.
और अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो क्योंकि मैंने ग्राफ को ऊपर चढ़ा दिया तो अभी फिर से आपको वैल्यू कहाँ दिखेगी, ऊपर दिखाई देगी। इसका मतलब ये मिनिमम वाला पॉइंट मेंटेन्ड है। ऑलराइट, अभी जब मैं यहाँ पर ये पूरे के पूरे कॉन्स्टेंट का वैल्यू जीरो बोल रहा हूँ तब भी ये क्या है, मिनिमा का ही पॉइंट है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ पॉजिटिव वैल्यू अलॉट कर दूंगा तो भी ये क्या रहेगा, मिनिमा का ही पॉइंट रहेगा। तो आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या सॉल्व करनी थी। यस अगर मैं वहाँ तक बता दूंगा तो आई थिंक आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। तो उसके बाद मैं क्वेश्चन शायद छोड़ सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि उसका केवल कैलकुलेशन रहेगा, हम आगे बढ़ सकते हैं उसके बाद। यहाँ पर बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ये लाइट ब्लू वाले ग्राफ को अगर ऊपर ले जाओगे तो भी आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी। इसलिए आपको लिखना क्या था यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है आपकी बी में, जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, है ना, इसके बाद कैलकुलेशन वैसे ज़्यादा नहीं है, कर भी सकते हैं, ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए आपकी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो गई देन इन दैट केस ये पॉइंट आपका x इक्वल टू वन पे मिनिमा ही मेंटेन रहेगा। ग्राफिकली हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसके बारे में कर लिया है, समझे बच्चे। यस ऑलराइट, अच्छा ओके ओके। यहाँ पे ओपी सिंह से कि वो प्री आरएमओ की तैयारी कर रहा है, अरे बेटा प्री आरएमओ की अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, आईआईटी भी चलने दो साइड बाय साइड, ठीक है। ऑलराइट चलो, तो यहाँ पर बच्चों बहुत ही छोटा सा यहाँ पर कैलकुलेशन बचा है, कर लेते हैं ना, ऐसा करते हैं मतलब कंप्लीशन वाली फील आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब वेवी कर पे आ गए। तो वेवी कर पे अगर आ गए तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, यहाँ से वन कॉमन निकालूंगा, तो फैक्टराइज कैसे होगा, बी प्लस वन, है ना, बी प्लस वन आई गेस, बी प्लस वन की बी माइनस वन, बी माइनस वन एंड बी स्क्वायर प्लस वन। ऑलराइट, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे वाला फैक्टराइजेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बी प्लस वन इंटू बी प्लस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो बस नंबर लाइन के ऊपर चीजें प्लॉट करना है और आंसर निकाल के बताना है। बता सकते हो यहाँ पे क्या करना है हमें आगे, यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करो। क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से कितने आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से एक वन आ रहा है, उसके बाद यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आ रहा है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आपके पास माइनस वन आ रहा है, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, माइनस टू आ रहा है। कहाँ से नहीं आ रहा क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि ये जीरो कहीं नहीं हो रहा। यस और कृष्णा पूछ रहा है कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस खत्म होने की टेंशन मत लो, बैकलॉग की टेंशन लो, सिलेबस खत्म होने की टेंशन मत लो, वो मेरी टेंशन है, ठीक है, बैकलॉग की टेंशन लो, हमेशा बच्चों को मैं ये समझाता हूँ, ठीक है। यस मैक्सिमम मिनिमम प्रियांशु समझना चाह रहे हो, आज डिस्कशन होगा बेटा उसका, है ना। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये अगर सबसे नीचे वाला पॉइंट है प्रियांशु, तो मिनिमा का पॉइंट होगा कि नहीं होगा, अभी इतना ही समझो, ये पॉइंट मिनिमा का पॉइंट होगा अगर ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, तो ये सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा, अगर मैंने ग्राफ ऊपर भी कर दिया तब भी ये सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरह का कैलकुलेशन आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे वेवी कर्व मेथड की वजह से प्लस माइनस प्लस लगाना स्टार्ट करना है, तो वो तो हमें आते ही लगाते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। हमें कौन सा रीजन सिलेक्ट करना रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला रीजन, इक्वल टू जीरो भी सिलेक्ट करना है, तो इक्वल टू जीरो कहाँ हो रहा है, प्लस वन पे इक्वल टू जीरो हो रहा है, देखो यहाँ पे प्लस वन पे इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो प्लस वन को भी सिलेक्ट करना है, और जहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है उसको भी सिलेक्ट करना है, मतलब वन से बड़ा और माइनस टू और वन के बीच में, बट माइनस टू एंड वन नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि माइनस टू एंड वन डाल के देखो इसके अंदर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक बच्चे ने आंसर बताया था, बहुत ही बढ़िया उसने आंसर बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया था उसने, इसका आंसर कितना आ रहा है आपका, माइनस टू से लेके माइनस वन यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ऑलराइट, ये आपका मिनिमा का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, आए बच्चों समझ में, डिस्कस ऑल्सो शॉर्ट ट्रिक। यस हाँ, यहाँ पे अगर शॉर्ट ट्रिक का कहीं पर भी स्कोप होगा बेटा तो शॉर्ट ट्रिक पक्के से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, स्ट्रेट लाइंस, यस यशराज, पीएनसी के बाद शुरू होगा बेटा, प्लीज बच्चों यहाँ पे बहुत शेड्यूल बहुत ही सिंपल है समझना, हमारा जो इनिशियल डेज होते हैं मंडे ट्यूजडे वेंसडे, वो हमारे इलेवंथ के डेज है, ठीक है। तो इलेवंथ के डेज में जैसे पीएनसी खत्म होगा स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा, जो हमारे ट्वेल्थ का डेज है अभी स्टार्ट हो रहे हैं, ट्वेल्थ का डेज जब खत्म होंगे यहाँ पे, है ना, मतलब यहाँ पे जब आपका एओडी खत्म होगा तो इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, बहुत ही क्लियर है। यस ऑलराइट ऑलराइट, तो यहाँ पर अच्छा ठीक, चलो यहाँ पर कोई बात नहीं, चलो है ना बच्चे कमेंट तो करते ही। ऑलराइट, ये वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल पाया कोई, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे पी डैश जीरो का आपको वैल्यू निकाल के बताना था, ठीक है। ये 2012 का क्वेश्चन है बच्चों, 2012 एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला था ये, इफ पी एक्स इज अ रियल पॉलिनोमियल एटलीस्ट ऑफ लीस्ट डिग्री, कम से कम डिग्री रखना है आपको, ज्यादा बढ़ाना नहीं है उसको, ठीक है। विच हैज अ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू वन एंड लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू थ्री, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा कहाँ कहाँ पर है हमें पता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे दो वैल्यूज और दी हुई है, पी ऑफ वन की वैल्यू दी है, पी ऑफ थ्री की वैल्यू दी है, आपको पी डैश जीरो निकाल के बताना है, मतलब पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे आपको फ्लो समझाता हूँ ताकि आप उस क्वेश्चन को पूरा कर पाओ, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आपने क्या सोचना चाहिए था, थोड़ा सा हमने हालांकि इंटीग्रेशन पढ़ानी है, लेकिन फिजिक्स के थ्रू आपको मुझे पता है कि आपको बहुत सारी चीजें इंटीग्रेशन की आती है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होना चाहिए इतना तो आपको आता ही है, ठीक है। तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट आई एम सजेस्टिंग। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर आपको यहां पे px निकालना है ना, पहले तो कोई बात नहीं, px नहीं पता मत पता होने दो, p डैश x की वैल्यू पहले लिखो,
ठीक है, यहां पर p डैश x का वैल्यू मैं इस तरीके से पॉलिनोमियल लिखूंगा कि उसके अंदर 1 डाल के 0 आना चाहिए और 3 डाल के भी 0 आना चाहिए. क्यों? क्योंकि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर 0 आता है. फंक्शन का डेरिवेटिव है और इसका आंसर 0 आना चाहिए. तो यहां पर इसका मतलब 1 और 3 इसके फैक्टर फॉर्मेट में ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, x माइनस 3. लेकिन अभी मुझे गारंटी नहीं है. अच्छा, यहां पर क्या है, क्योंकि मुझे लीस्ट पॉसिबिलिटी करनी है तो यहां पे आगे और कोई ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में डालूंगा नहीं. लेकिन यहां पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि आगे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है. वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट. तो यहां पे एक एक कांस्टेंट अलग से लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है, ऑलराइट. तो पी डैश एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री. इसको अगर आप इंटीग्रेट कर लोगे तो आपके पास पी एक्स आएगा. इसको अगर आप इंटीग्रेट कर लोगे तो आपके पास पी एक्स आएगा. तो इसको इंटीग्रेट कर लेते दोनों साइड. ठीक है, यहां पे पहले इसको ओपन कर लो तो ये हो जाएगा पी डैश एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री. ठीक है, इसको कर लो इंटीग्रेट. तो यहां पे लिख दिया मैंने पी एक्स, है ना, इंटीग्रेशन का साइन वाइन बना नहीं रहा हूं, चल जाएगा ना. इंटीग्रेट कर दिया मैंने, इंटीग्रेट बोथ साइड्स. ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स. तो यहां पे हो जाएगा डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा पी एक्स, और ए तो ए कॉन्स्टेंट है. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद है सबको, एक्स क्यूब अपॉन थ्री. ठीक है, उसके बाद यहां पे इंटीग्रेशन याद है सबको, फोर एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और थ्री का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा. और कुछ बचेगा क्या? यस, एग्जैक्टली बचेगा. बहुत बढ़िया, यहां पे आयुष आंसर बता रहा है. वैभव वैभव थ्री बता रहे हो आप आंसर, यहीं पे आपने गड़बड़ करी है कुछ तो. ठीक है, आयुष का आंसर 9 बिल्कुल सही है, उज्ज्वल का आंसर 9 सही है बिल्कुल यहां पे. यस, ऑलराइट. तो यहां पर बच्चे जो यहां पर गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे उन्होंने शायद ए वाली वैल्यू नहीं ली होगी. यही तो सबसे इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में. ठीक है, यहां पर एक्स्ट्रा ए के साथ में चलना होता है आपको. अच्छा, यहां पर ये बताओ कि हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आता है ना. तो यहां पे क्योंकि मैंने स्टेप इंटीग्रेशन कर लिया तो मुझे प्लस सी भी लिखना पड़ेगा. तो ये आपका आज से क्या हो गया, पीएक्स हो गया, है ना. ये तीन स्टेप के बाद में हमें पॉलिनोमियल पीएक्स पता चल गया. लेकिन इस पॉलिनोमियल पीएक्स में कितने वैल्यूज नहीं पता आपको? आपको दो वैल्यूज नहीं पता, आपको ए नहीं पता और आपको सी नहीं पता. लेकिन क्या आप दो अलग अलग इक्वेशन बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, पी ऑफ वन का वैल्यू 6 दिया है, पी ऑफ थ्री का वैल्यू 2 दिया है. तो एक बार इसके अंदर आप पी ऑफ वन डालो. ठीक है, पी ऑफ वन का वैल्यू देखो कितना आएगा और उसको 6 के बराबर कर देना. और यहां से आप पी ऑफ थ्री निकालो, उसको 2 के बराबर कर देना. यहां से दो इक्वेशन आई है आपके पास, इनको सॉल्व करो. इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या क्या आंसर आ जाएगा, ए और सी का आंसर आ जाएगा. अगर आपके पास ए का आंसर आ गया तो फिर यह सबसे बढ़िया इक्वेशन है आपके पास लिखी हुई. आपसे पूछ के रहा है फाइनल क्वेश्चन में P डैश जीरो का आंसर बताओ. तो P डैश जीरो का आंसर यहां से देखो कितना आएगा, P डैश जीरो का आंसर आएगा यहां से, P डैश जीरो का आंसर आएगा यहां से 3A. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. A इज इन्वॉल्व इन द फाइनल आंसर, A फाइनल आंसर में इन्वॉल्व है. तो यहां पे सॉल्व करके आपको A का वैल्यू एक्चुअली 3 मिलेगा. जब सॉल्व करोगे यहां पे A का वैल्यू आपको 3 मिलेगा. इस वजह से आपका आंसर यहां पे 9 आएगा, 3 नहीं आएगा. लेकिन अगर किसी बच्चे ने यहां पे A माना ही नहीं था तो उसने गड़बड़ कर दी होती. फिर समझ रहे इस बात को, इसका आंसर 9 आएगा. ठीक है, 9 क्यों आएगा, प्रमोद बता रहा है, उज्ज्वल बता रहा है. यस मृदुल बेटा, आप 7 बता रहे हो, एक बार फिर से चेक करो. ठीक है, क्लियर हुआ इसका आंसर 9 क्यों आया, क्योंकि यहां पे जिस तरीके से हमने फंक्शन माना है उसके अंदर आपको आगे ए कंसिडर करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, आई बात समझ में, बढ़े आगे. यस ईजी है, ऑल राइट. श्रुति सिंह वेरी इजी है, ऑल राइट, वेरी गुड बेटा, है ना. बस ऐसे ही करते रहो प्रैक्टिस, आपको सारे क्वेश्चन ईजी लगना चाहिए. एडवांस का क्वेश्चन अगर आपको ईजी लग रहा है देन वेल डन, ऑल राइट. वैसे ईजी था, है ना. पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारी चीजें जो आती है हमें इजी लगती हैं. क्यों? क्योंकि हमें पॉलिनोमियल समझ में आता है. ऑलराइट, चलो एक क्वेश्चन और दिया था मैंने मेंस का, लेकिन ये उससे भी ज्यादा इजी है. जैसे यहाँ पे श्रुति बोल रही है एडवांस का क्वेश्चन इजी था, तो मेंस वाले क्वेश्चन का बस मैं आपको आंसर करेक्ट क्या है बता देता हूँ. इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा था कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, यहाँ पर असर्शन टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल था. ठीक है, मेंस का क्वेश्चन था ये 2012 का. क्या आंसर इसका, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, करके देखना डेरिवेटिव निकालने केवल. ठीक है, ऑल राइट. और दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और स्टेटमेंट टू एक्चुअली करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट वन को. ठीक है, ऑल राइट. लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था और जिसके आंसर मैंने आपसे चैट कमेंट में मांगे भी थे, वो ये क्वेश्चन है. ठीक है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंगिंग टू आर फॉर विच ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए. आई वॉन्ट यू पीपल टू लेट मी नो इसका आंसर कितना आया आपका ए बी सी डी में से. जल्दी बताओ कितना आंसर आया इसका. यस हर्ष, लास्ट वाले क्वेश्चन में दोनों ट्रू हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. यस अरुण जय बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बात नहीं. यहां पर आप एक बार और ट्राई करना उसको, अदरवाइज इसको मैं डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. दोनों के दोनों ट्रू आएंगे. अर्पण इज सेइंग 1/27, हर्ष इज सेइंग सी आंसर आएगा इसका. यस ऑलराइट. रश्मि इज आस्किंग टेलीग्राम पे डाउट कैसे पूछेंगे. हाँ वो दिक्कत है ना. ऑलराइट, मेरे ख्याल से चैट बॉक्स को ज्यादा अच्छे से यूज करो बेटा, है ना. ऑलराइट, एक बच्चा कोई तो एग्जाम का नाम बता रहा था, आई डोंट एग्जैक्टली नो बेटा वाली एग्जाम कौन सी है ना. एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर दैट. ऑलराइट, सी
All right, all of you are saying C. Very good, very good. All right, तो यहाँ पे बच्चे C answer बता रहे हैं, which is 1/27. I am very happy कि आपने आपने answer निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने question समझ लिया तो answer आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है? आप अल्फा की ऐसी वैल्यू बताओ, आप अल्फा की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा. इसका मतलब क्या है? इसका अगर मतलब समझोगे तो आपको आंसर निकालते आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि आपने अगर एफ एक्स का वैल्यू 4α(x²+1x) माना, अगर आपने ये एफ एक्स मान लिया, एक फंक्शन है ना क्योंकि ये एक्स का, तो आपने अगर इसको अगर एफ एक्स मान लिया, देन इन दैट केस ये एफ एक्स का आंसर हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए. कम से कम 1 हो सकता है, लेकिन अदरवाइज 1 से बड़ा होना चाहिए. अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये 1 से बड़ा होना चाहिए, देन इन दैट केस ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू 1 है. ये इंप्लाई कर रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू 1 है. ऑलराइट, तो मिनिमा कैलकुलेट करके देखते हैं. इसका मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 1 कर देंगे, अल्फा का आंसर आ जाएगा. ठीक है, प्रोसेस तो दिमाग में बहुत ही क्लियर है हमें. ऑलराइट, तो यहां पर क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे. एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा 8α(x-1x)². ठीक है, क्योंकि मैं इसका मिनिमा का पॉइंट निकालना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू 0 सॉल्व करूंगा, है ना. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों हमने कर लिया है, इसको मैं इक्वल टू 0 करूंगा. ऑलराइट, यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो कितना हो जाएगा, 8α(x=1x²), तो यहां से x³=1/8α ऐसा आ जाएगा. ठीक है, अब यहां तक तो कहानी सिंपल है, आपके पास एक्स क्यूब का आंसर आ गया. मतलब ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया जहां पे आपका फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा है. ठीक है, तो यहां पे एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/2α(1/3). ऑलराइट, तो यहां तक भी चीजें सब ठीक है. अब ये बताओ यहां पर क्या ये आपका जो वैल्यू है 1/2α(1/3), यहां पर आपको मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा? कैसे पता करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता करेंगे. इसको अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट कर लोगे तो सॉल्व करके देखना, यहां पे आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी डेवलप होगी. कर लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स कितना बनेगा आपके पास, यहां पे आएगा 8α एंड ये -2 ऊपर पावर में है, तो कितना हो जाएगा, +2/x³. ये आपका डबल डैश का एक्सप्रेशन है. इसके अंदर अगर आप अगर एक्स डालोगे तो ऑब्वियसली आपको आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहां पे एक्स कैसा है आपका, ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, तो एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है, ये पूरी ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, इसके अंदर जाएगी, ग्रेटर देन 0 आंसर आएगा. ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये मिनिमम वाला पॉइंट है, इसका हमें पता चल गया. ठीक है, अब लेकिन मिनिमम वाला जो पॉइंट है उस पर आउटपुट कितना आना चाहिए, मिनिमम वाले पॉइंट पर आउटपुट आपको कितना चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि मिनिमम वैल्यू उसने क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटी के थ्रू हिडन वे में दे दी थी. ठीक है, तो 2016 में इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था. यस, और शिवा इज आस्किंग टू एवरीवन एल्स कि यहां पे किसी ने कोई कोचिंग ज्वाइन किया क्या? मेरे ख्याल से बेटा यहां पे तो सारे बच्चे कोचिंग ज्वाइन करके बैठे ही होंगे, लेकिन ये देखो कि आपका फायदा कहां पे ज्यादा हो रहा है. ठीक है, जहां पे आपको बेसिकली ये है कि आपके पास 1 साल है, 2 साल है, 6 महीने, जितना भी टाइम है आपके पास में, ठीक है, यू नीड टू यूटिलाइज दैट टाइम वेरी वेल. ठीक है, जहां पर भी आपको बेनिफिट हो रहा है वहां बैठो. ऑलराइट, तो यहां पर क्या करना है आपको, ये जो पर्टिकुलर एक्स है ये उठा के डालना है फंक्शन के अंदर. ठीक है, फंक्शन के अंदर डालेंगे, देखो क्या बनता है. यहां पे मेरे पास पेज है क्या? हाँ, मेरे पास पेज है. ऑलराइट, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास एफ एक्स का वैल्यू कितना आया, एफ एक्स का वैल्यू है आपके पास में 4α(x²), इज इट, हाँ, +1/x, इसमें डालना चाह रहा हूं मैं एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की डालना चाह रहा हूं 1/2α(1/3). ठीक है, अगर ये वैल्यू मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो बनेगा क्या, देखिए जरा, इसके अंदर 4α और यहां पे नीचे आ जाएगा 4α(2/3) और प्लस, है ना, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2α(1/3), और ये कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से. तो सॉल्व कर लेते हैं इसको अभी. तो यहां से अल्फा वाले वैल्यू कैंसिल होगी, 4 कैंसिल होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, टोटल α(1/3) +2α(1/3), ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो यहां से आपके पास आ गया 3α(1/3)=1, मतलब अल्फा की वैल्यू आपके पास 1/27 आनी चाहिए. बहुत बढ़िया बच्चों, आपने सॉल्व कर लिया था, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस. यस, ऑल राइट, विनीता इज सेइंग इजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. विनीता बोल रही आसान क्वेश्चन है. यस, ऑल राइट सार्थक, हाय बेटा. जयंत इज आस्किंग शुड आई टेक ड्रॉप. बेटा ड्रॉप लेने का तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी टाइम, मतलब वो तो डिस्कस हो गया होगा अभी तक आपका, है ना, क्योंकि अभी जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं वो डिसीजन ले चुके हैं. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू टेक ड्रॉप देन आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, है ना, तो अभी जल्दी से डिसाइड कर लो, क्योंकि आपको काफ़ी स्पीड में तैयारी स्टार्ट करनी पड़ती है एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है. ठीक है, ऑलराइट, अदरवाइज कोई अगला कॉलेज ज्वाइन कर लो, उसमें कोई गलत नहीं है. ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डिसाइड. ठीक है, क्योंकि दोनों ही केसेस में बच्चों देखो सक्सेस तो ऐसा है कि सक्सेस तो मिल जाएगी, आप अगर लगे रहोगे तो सक्सेस तो मिल जाएगी. अब सक्सेस आपको चाहे आईआईटी में जाके मिले या नॉर्मल कॉलेज के बाद आपने कोई और हायर डिग्री कर ली, यूएसए कर ली, या आपने कोई एमबीए कर लिया वहाँ पर सक्सेस मिल जाए, तो सक्सेस तो आपको मिल जाएगी अगर आप हार्डवर्क करते रहोगे तो. ठीक है, लेकिन इस टाइम पर कोई डिसीजन लेने वाला अगर पॉइंट है तो आपने ये डिसाइड जल्दी से कर लेना चाहिए कि ड्रॉप लेके आप आगे लाइफ बढ़ाना चाह रहे हो, है ना, लाइफ एक्सटेंड करना चाह रहे हो, या फिर आप विदाउट ड्रॉप कॉलेज जाके कुछ करना चाह रहे हो. ठीक है, ऑलराइट, सो दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन स्टूडेंट्स. ठीक है, यस, ऑलराइट, बहुत बढ़िया. चलो तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन, हायर डेरिवेटिव टेस्ट.
All right, चलो. Yes, Vaibhav. Easy चल रहा है सब कुछ. Very good. वीनू यहाँ पे टॉपर है. All right. 1/27 कैसे है? All right. यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है कि सर बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, दूसरा बच्चा पूछ रहा है तो यहाँ पे बताना पड़ेगा इसका मतलब. यहाँ पे कुछ नहीं, 3 को नीचे ले जाओ और क्यूब कर लो दोनों साइड. नीचे ले जाओ 3 को और क्यूब कर लो तो अल्फा की वैल्यू 1/27 आ जाएगी. ठीक है. ऑल राइट, क्लियर हुआ आयुष? वेस्ट बंगाल जेई. तो वेस्ट बंगाल जेई की तैयारी तो मेरे ख्याल से संदीप आपके साथ साथ हो ही जाएगी. मेंस की तैयारी करो, ठीक है, बाकी हो जाएगा सब साथ में. ऑल राइट, चलो. हायर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और कहाँ लगाना पड़ता है? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के फेल होने के चांसेस हैं. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था. तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है कि आप ऐसा करो कि पहले तो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के रख लो. कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स? f'(x=0) करके निकालते हैं. फिर वो बोलता है कि डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव में एक एक करके क्रिटिकल पॉइंट्स डालो, उन क्रिटिकल पॉइंट्स के आंसर देखो पॉजिटिव है कि निगेटिव है. पॉजिटिव है तो मिनिमा, निगेटिव है तो मैक्सिमा. ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ऐसे भी तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे जहां पे आपको वैल्यू डबल डैश में डाल के जीरो आ गई. अब जीरो आ गई तो मैक्सिमम मिनिमा बता नहीं पाता है, बट दिस डज नॉट इंप्लाई कि वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा नहीं हो सकता. ये अगर डाउट है तो क्लियर कर लो. बहुत सारी बुक्स में आपको या फिर बहुत सारे टीचर के थ्रू ये भी सुनने को मिलेगा कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, कोई गारंटी नहीं है. वो मिनिमा का भी पॉइंट हो सकता है, वो मैक्सिमम का भी पॉइंट हो सकता है. ठीक है, तो हमें टेस्ट करना पड़ता है. वो कौन बताता है हमें? हायर डेरिवेटिव टेस्ट बताता है. इफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, वी मूव ऑन टू फर्दर डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, अब वो टेस्ट क्या है वो समझना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पर टेस्ट जो है वो ऐसे कुछ है. ठीक है, आपको कभी तो मिनिमम आंसर मिलेगा, कभी मैक्सिमम मिलेगा, कभी फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम मिला नहीं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला. ठीक है, लेकिन ये सब आते हैं पहले. एक दो सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप वो चीज़ याद कर पाओगे, वो चीज़ समझ पाओगे जो लिखी है उस पेज पे. ठीक है, सो वील गेट बैक टू दैट पर्टिकुलर पेज. लेकिन उसके पहले दो सिंपल एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको फंडा क्लियर हो जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर एक पहला सबसे सिंपल एग्जांपल जो मेरे ख्याल से आप सबको याद हो गया होगा अभी तक, विच इज एक्स क्यूब. ठीक है, मतलब कहानी कैसे आगे बढ़ रही है ये सोचना पड़ेगा आपको, तो आपको पिछले वाले पेज पे जो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है वो समझ में आएगा. ठीक है, ऑल राइट. तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, अच्छा आपको दिया मैंने f(x=x³, तो आप क्या करोगे? अच्छा मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो f'(x) इसका निकालोगे आप. f'(x) निकाला आपने, कितना किया इसको? 3x2. 3x2 को आप बताओगे कि अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं इसके, तो आप क्या बोलोगे? 3x² = 0. तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 0. उसके बाद आप सोचोगे अच्छा ठीक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैं पता करता हूँ, क्योंकि अभी तो आपको पता ही नहीं कि आगे गड़बड़ होने वाली है. ठीक है, तो आप करोगे इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब करने जाओगे तो f" का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6x. सही है, डबल डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6x. अब इसके अंदर जब आप 0 डालोगे तो आपको f" 0 का आंसर मिल जाएगा 0, और यहाँ के टेस्ट फेल हो गई. अगर यहाँ के टेस्ट फेल हो गई तो यहाँ पर अब nth डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोल रहा है कि कोई बात नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो. यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक बार और अगर आपने डिफरेंशिएट किया और उसके अंदर आपको अगर नॉन जीरो वैल्यू मिलती है, जो इस केस में पक्के से मिलेगी क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पे f" 0 जो है वो 6 आया. तो यहाँ पर पहली बार थर्ड डेरिवेटिव पे आपको नॉन जीरो वैल्यू मिली है. ऑलराइट, थर्ड डेरिवेटिव पे आपको नॉन जीरो वैल्यू मिली है, मतलब यहाँ पे हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें होती हैं. यहाँ पर जैसे थर्ड डेरिवेटिव मतलब एक ऑड वैल्यू के डेरिवेटिव पे आपको नॉन जीरो वैल्यू मिली है. ठीक है, एक बार और करके देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं. यहाँ पर मतलब कुछ कंक्लूड करना है अभी, लेकिन कंक्लूड मैं कर नहीं रहा हूँ. ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद कंक्लूड करेंगे. यस, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम f(x)·4 का. ठीक है, अगर आप x^4 को देखोगे तो इस केस में क्या होगा, आपको और ज़्यादा लेंदी जाना पड़ेगा टू गेट टू ए पॉइंट जहाँ पे आपको नॉन जीरो वैल्यू मिले. इतना समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को. ठीक है, यहाँ पे सोचो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने f'(x) निकाला तो हो जाएगा 4x³. आपने बोला अच्छा ठीक है मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, सो लेट अस सॉल्व दिस. तो आपने 4x³=0 सॉल्व किया, तो यहाँ से आपको x=0 मिल गया. ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि इसका आंसर निकाल के देखते हैं मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा. तो " आपने निकाला, " लेकिन आ गया यहाँ पे 12x². अब 12x² जब आपने इसके अंदर 0 डाला तो आपको आंसर फिर से मिल गया 0, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट तो हो चुका है फेल. ठीक है, तो आप जाओगे आगे, ट्रिपल डेरिवेटिव आपने निकाला, ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे कितना? 24x. अब 24x भी जो है ट्रिपल डेरिवेटिव 0 पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव भी आपको आंसर नहीं बता पा रहा है. ठीक है, हम आ जाते हैं फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट पे. तो फोर्थ डेरिवेटिव जब आपने निकाला तो ये हो गया 24. इस केस में आप अगर ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या हो चुका है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू बन चुकी है, तो फोर्थ डेरिवेटिव पे 0 डालने पे भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24. यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? तो जहां पर भी आके आपको नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है वहां से आप फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे आप. ठीक है, अगर आप यहां पे बच्चों केवल ग्राफ भी बनाते तो भी ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इस बात से एग्री कर रहे हो आप? अगर आप इसका ग्राफ बना लेते तो कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ती? यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं. ठीक है, यहां पर ऐसा करो, कोई आपसे अगर पूछेगा कि x^4 में मैक्सिमम मिनिमम निकाल के बताओ, ठीक है, तो आप ऐसा करो इसका ग्राफ बना लो.
इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो आपको क्या बोलेगा, जीरो पे जीरो आएगा, जीरो पे जीरो आएगा, वन डालोगे तो वन आएगा, माइनस वन डालोगे तो वन आएगा, टू डालोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, टू टू द पावर फोर, ठीक है, माइनस टू डालोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो यहां से आपको दिख रही चीजें कैसी वैरी कर रही है, एक्स स्क्वायर टाइप का ही ग्राफ आ रहा है, टाइप का बोल रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ नहीं बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ आ रहा है, बढ़ रहा है दोनों साइड, ठीक है, इवन फंक्शन तो है, ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो क्या यहां पे क्लियर है कि यहां पे आपका आंसर मिनिमम आना चाहिए जीरो पे, यहां पे जीरो पे आपका आंसर मिनिमम आना चाहिए, ये दिख रहा है सबको। अब यहां पे डेरिवेटिव टेस्ट कैसे कंक्लूड करता है वो सुनो, जब भी आपको मल्टीपल टाइम्स डेरिवेटिव जीरो मिलता है, ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स तो जीरो मिला ही, एफ डैश जीरो तो जीरो है ही, उसके बाद डबल डैश भी जीरो मिल गया, ट्रिपल डैश भी जीरो मिल गया, लेकिन फोर्थ डैश पे जाके, मतलब कोई इवन डेरिवेटिव पे जाके आपको नॉन जीरो वैल्यू मिली है, इवन डेरिवेटिव पे जाके आपको नॉन जीरो वैल्यू मिली है, देन इन दैट केस वो पॉइंट जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो वो पक्के से मैक्सिमा मिनिमा का ही पॉइंट है। अगर इवन डेरिवेटिव पे जाके आपको पहली बार नॉन जीरो वैल्यू मिली है, ठीक है, यहां पर पहली बार का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, यहां पर ये जीरो आया, ये जीरो आया, ये जीरो आया, लेकिन ये जो है ये नॉन जीरो आया, और कौन से डेरिवेटिव पे आया, फोर्थ डेरिवेटिव, फोर कैसा होता है, इवन होता है, इवन डेरिवेटिव पे आके आपको अगर नॉन जीरो वैल्यू मिली है तो फिर ये मैक्सिमा मिनिमा का पक्के से पॉइंट होगा। अब यहां पे मैक्सिमा मिनिमा टेस्ट करने का तरीका वही है जैसे हम सेकंड डेरिवेटिव में यूज करते हैं, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में हम क्या बोलते हैं, अगर पॉजिटिव आउटपुट आया है तो मिनिमा, वैसे यहां पे आप देख सकते हो पॉजिटिव आंसर आया, पॉजिटिव आउटपुट आया, इसलिए क्या मिल रहा है आपको, मिनिमा मिल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब आते हैं हम, अगर हमें ऑड वैल्यू पे नॉन जीरो वैल्यू मिली है तो क्या होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास एक्स क्यूब का ग्राफ तो पता ही आप सब बच्चों को, एक्स क्यूब हमने बनाया भी था बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास क्योंकि ऑड वाले डेरिवेटिव पे पहली बार नॉन जीरो वैल्यू आई है, बाकी सब जगह क्या आया आपको, जीरो आया, समझो इस बात को, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिपल डेरिवेटिव मतलब थर्ड डेरिवेटिव पे जाके आपको नॉन जीरो वैल्यू मिली है, तो यहाँ पर एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा इसकी गारंटी है, मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा इसकी गारंटी, ठीक है, अगर मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा तो क्या होगा, देन इन दैट केस अगर आपको आंसर पॉजिटिव मिलता है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर आपको आंसर पॉजिटिव मिलता है तो इंक्रीजिंग होगा, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे डिस्कशन चल रहा था उस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो पे डिस्कशन चल रहा था तो जीरो पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है क्या फंक्शन आपको, ऑब्वियसली दिख रहा है, तो जो सिंपल चीज है उनमें तो आपको दिख जाएगा, लेकिन यही करना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि अब आप रिलेट कर पाओगे जो स्टेटमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूं उसके साथ, ठीक है, ऑड वाले पे दो चीजें हमने देख ली, ऑड वाले पे अगर आपको नॉन जीरो पहली बार मिला है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, मैक्सिमम मिनिमा नहीं हो सकता, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा इस केस में ऑड वाले में नहीं होगा, और इवन वाले में मैक्सिमम मिनिमा होगा, ठीक है। अब इसी बात को मैंने याद कैसे करने के लिए बोला है आपको, यहां पर आपको क्या देखना है कि आपने क्या किया, nth डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपने a के ऊपर कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, तो आपने बहुत सारे डेरिवेटिव निकाल लिए और आपको हर बार जीरो मिल रहा है, लेकिन nth डेरिवेटिव पे आपको आके पहली बार क्या मिला, नॉन जीरो क्वांटिटी मिली। अगर आपको nth डेरिवेटिव नॉन जीरो क्वांटिटी मिल गई है तो यहां से आपका आंसर आने वाला है, फिर वो भले कुछ भी आंसर हो लेकिन यहां से आप इन्फरेंस कुछ ना कुछ तो ड्रॉ कर सकते हो। अब कैसे करोगे वो सुनो, अगर आपका n इवन है देन इन दैट केस आपको मैक्सिमा मिनिमा आंसर मिलने वाला है, n अगर इवन है तो, लेकिन कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा, तो कहानी बिल्कुल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वाली है कि अगर आपको वैल्यू पॉजिटिव मिली है तो मिनिमा और नेगेटिव मिली है तो मैक्सिमा। ये तो रिलेट कर पा रहे हो सारे बच्चे, क्योंकि टू भी तो इवन है ना, टू भी तो इवन है, तो इवन वाले केस में जैसे हम टू के लिए बोलते हैं वैसे ही हम nth डेरिवेटिव के लिए भी बोलेंगे। लेकिन अगर आपको ऑड वैल्यू पे जाके नॉन जीरो वैल्यू मिली है तो नॉन जीरो मिला है मतलब या तो वो पॉजिटिव बनेगा या फिर नेगेटिव बनेगा। अगर पॉजिटिव बना है देन इन दैट केस फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और नेगेटिव मिला है देन इन दैट केस फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। लेकिन बीच में कुछ चीजें मैंने स्किप कर दी, यहां पे क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब भी आपके पास ये सिनेरियो डेवलप होगा थर्ड और फोर्थ, ओहो थर्ड और फोर्थ, वन के बाद में टू के बाद में थ्री के बाद में फोर, ठीक है, तो यहां पे थर्ड और फोर्थ जो सिनेरियो है यहां पर क्या होने वाला है बच्चों, आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलने वाला है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहां पर कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है। सुनो इस बात को, क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो पॉइंट है जहां पर कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है, ठीक है, जैसे कि यहां पर जीरो पे हो रहा है, ठीक है, यहां पे अगर आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखना, ठीक है, हमेशा कर्वेचर अगर आपको पता करना है तो ऊपर से देखना, तो आपने बेसिक लेवल का मेरे ख्याल से ऑप्टिक्स तो पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे कॉनवेक्स सरफेस कैसा होता है और कॉनकेव सरफेस कैसा होता है मेरे ख्याल से आपको पता है, ठीक है, तो ऊपर से अगर लाइट आ रही है ऐसा आप इमेजिन करोगे तो ये वाले पोर्शन को आप कॉनकेव बोलोगे, इजंट इट, और ये वाले पोर्शन को आप कॉनवेक्स बोलोगे। तो यहां पर जीरो पे एक्चुअली हो क्या रहा है, जीरो पे फंक्शन आपका कॉनकेविटी चेंज कर रहा है या फिर
कर्वेचर चेंज करा है, ठीक है। जीरो के पहले कैसा था, वो कॉनवेक्स कर्व था, बाद में कॉनकेव हो गया। इस तरह के पॉइंट को जहां पर आप कर्वेचर चेंज होता है उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये केवल इंट्रोडक्शन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, इसका डिटेल में डिस्कशन हम मैक्सिमम मिनिमा खत्म होने के बाद फिर से करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है ये उन्हीं पॉइंट्स पे होता है जहां पर मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पर एक्चुअली f डैश x इक्वल टू जीरो होना जरूरी नहीं होता, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे f डैश की कुछ और वैल्यू भी आ सकती है, जैसे कि साइन एक्स ग्राफ पता है सबको, ठीक है। साइन एक्स का जो ग्राफ है उसके अंदर आप ये नोटिस करोगे कि जीरो से लेके पाए तक कॉन्वेक्स है और पाए से लेके 2π तक कॉनकेव है, तो मतलब पाए पे आपकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है वहां पे, ठीक है। लेकिन पाए पे स्लोप निकाल के देखना 1 आएगा, ठीक है। तो स्लोप का और कॉन्केविटी का डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है इसका, लेकिन डिटेल में डिस्कशन अलग से हम करने वाले हैं। आई बात समझ में, हायर डेरिवेटिव समझ में आ गया सबको, एक क्वेश्चन तो बनता है अभी करना, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर ये जो हमने अभी सीखी है बातें उनको अप्लाई करके देखते हैं एंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ एक्स इन एक्स बिलोंगिंग टू 0 से लेके 2π। 0 से लेके 2π में ये फंक्शन जो है कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है, कहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, कहाँ पे आपको छोड़ देनी चीज़ें, वो सब डिस्कस करना है यहाँ पे हमें, ठीक है। ऑलराइट, तो करना क्या है, देखो हमें तो अब nth डेरिवेटिव तक का नॉलेज आ गया, मतलब हम आंसर तो पक्के से निकाल के बताएंगे। अब यहाँ पे फेल होने वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वैसे फेल होता नहीं है कहीं पे, लेकिन वो एक्चुअली प्रैक्टिकली फेल हो जाता है कि अगर आपको साइन चेंज चेक ही नहीं करते आ रहा तो कहाँ से आप वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का फेल हो जाता है जब आपका एफ डबल डैश में वैल्यू डाल के 0 आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब nth डेरिवेटिव टेस्ट कभी फेल नहीं हो सकता, इसका आंसर आप पक्के से निकाल के बताओगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पे जाके तो आपको नॉन जीरो पक्के से मिलेगा, क्योंकि ठीक है। ऑलराइट, मतलब वी आर नाउ थ्रू, अब हम हर किसी क्वेश्चन का आंसर तो बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा की तरह एफ डैश एक्स ही है, वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ऑलराइट, तो एफ डैश एक्स यहां पे निकालते कितना हो जाएगा, करें इसको सॉल्व। यहां पे पहले साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू 1 + x बचेगा, उसके बाद में प्लस साइन एक्स को वैसे रखते हैं और उसके बाद में 1 + cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन क्या रहा है आपके पास, एफ डैश एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स देख के कुछ याद आता है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा, कॉस एक्स प्लस कॉस 2x, क्लियर, कॉस एक्स प्लस कॉस 2x। अब यहां पर ये आपका क्या आ गया है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स सॉल्व क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है फॉर मैक्सिमम मिनिमा या फिर फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, है ना, ऐसा बोल लेते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वल टू 0 डालना है, मतलब कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 0 सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। तो यहां पर क्या लगना चाहिए, यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको आंसर ज्यादा आसानी से दिखाई दे, ठीक है। ऑलराइट, यहां पर आप अदरवाइज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो बाद में अगले स्टेप में करते हैं, ठीक है। तो cos c + cos d कितना होता है, 2 cos this + that upon 2 मतलब 3x/2 एंड कॉस ऑफ दिस माइनस दैट अपॉन 2 मतलब कॉस ऑफ x/2, ये इक्वल टू 0 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, या तो आप इसको 0 करने की कोशिश करोगे या फिर आप इसको 0 करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ऑलराइट, एक एक करके 0 करते हैं इन चीजों को। तो आप अगर सबसे पहले वाले पोर्शन को 0 करोगे तो कितना आएगा, यहां पर आप बोलोगे कि 3x/2 जो है, 3x/2 जो है वो क्या क्या हो सकता है, यहां पर या तो आप प्रॉपर फंडा यूज कर लो, कौन सा वाला, इक्वेशन सॉल्विंग वाला, ठीक है, कि कॉस की वैल्यू अगर 0 आती है तो कहां पर आती है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे आती है, ठीक है। तो यहां पर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 लिखते हैं, ठीक है। 3x/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2n+1 पाई बाय 2 हो जाएगा। अब n की अलग अलग वैल्यू डाल के आपको वो वाली वैल्यू उठानी है जो 0 और पाई के बीच में वाकई आएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्या क्या हो रहा है, यहां से पहले तो ये कैंसिल कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो x का वैल्यू आएगा आपका 2n+1 पाई बाय 3, ठीक है। तो यहां पे n इक्वल टू 1 डाल के कुछ काम बन रहा है क्या, n इक्वल टू 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 0 डाल के भी काम बन रहा है लेकिन, है तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो n इक्वल टू 0 डालेंगे तो यहां पे आपका x का आंसर आएगा पाई बाय 3। अगर n की वैल्यू 1 डालोगे तो यहां पे क्या बनेगा, 3π/3 मतलब पाई बनेगा, ये वाला काम भी बढ़िया हो गया। उसके बाद n की वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो 5π/3 बनेगा। अब 5π/3 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, 5π/3 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ध्यान से देखो। यस, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप उसको कैलकुलेट करके देखो वो 6π/3 से छोटा है, मतलब 2π से छोटा है,
ठीक है, तो 5π/3 भी आ गया, लेकिन आगे 7π/3 को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 7π/3 जो है वो 6π/3 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहां से मुझे तीन वैल्यूज मिले जहां पे आपका डेरिवेटिव जीरो होगा पक्के से, इन तीनों पॉइंट्स पे आपका डेरिवेटिव जीरो होगा, और यही हम एक्चुअली अभी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम इस पोर्शन को भी तो जीरो कर सकते थे, इस पोर्शन को अगर जीरो करने जाओगे तो आप क्या इक्वेशन लिखोगे, इस पोर्शन को जीरो करना स्टार्ट करते हैं तो आप क्या आएगा, cos x by 2 is equal to 0, तो यहां से x by 2 के वैल्यू कितनी आएगी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है, यहां से 2 कैंसिल कर दो, तो यहां से क्या आंसर जनरेट हो रहा है आपका, x इक्वल टू पाई हो सकता है ना, एक तो जीरो डाल के पाई हो रहा है, उसके बाद में अगर और कोई वैल्यू डालोगे तो यहां पे 2 पाई को क्रॉस कर जाएगा वो, और कोई भी वैल्यू डालोगे तो 2 पाई को क्रॉस कर जाएगा, और यहां पे आप देख सकते हो कि पाई तो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, मतलब बेसिकली तो वही तीन आंसर आए हमारे पास, ठीक है। ये अगर इसके अंदर मिला भी लोगे तो भी वहां पे ऑलरेडी था, तो तीन बेसिक पॉइंट्स है जीरो से लेकर 2π के बीच में जहां पे आपका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, तीन पॉइंट्स है जीरो से लेकर पाई के बीच में, जीरो से लेकर 2π के बीच में जहां पे आपका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको अगर कुछ चीजें डल के पॉजिटिव मिलता है तो मिनिमा का आंसर आ जाएगा, नेगेटिव मिलता है तो मैक्सिमा का आंसर आ जाएगा, लेकिन यहां पर हो सकता है कि किसी पॉइंट पे जीरो भी आ जाए, एक्जैक्टली जीरो भी आ जाए सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है, तो वो इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर मैं इस पॉइंट का, इस फंक्शन का एक और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखता हूं कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो मेरे पास एफ डैश एक्स कितना है देख लेते हैं एक बार, एफ डैश एक्स है मेरे पास कॉस एक्स प्लस कॉस 2x, तो यहां पर डबल डेरिवेटिव निकालो इसका, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स एंड माइनस ऑफ 2 sin 2x, ठीक है। अच्छा, यहां पर मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स जो है मेरे पास x इज इक्वल टू पाई बाय 3 है, x इक्वल टू पाई है एंड x इक्वल टू 5π/3 है, ठीक है। एक एक करके ये सारे डाल के देखते हैं क्या कौन सा आंसर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पाई बाय 3 के ऊपर, ठीक है, तो f डबल डैश पाई बाय 3 सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं, तो कितना बनेगा ये, माइनस साइन पाई बाय 3 माइनस साइन माइनस 2 sin, माइनस साइन पाई बाय 3 एंड माइनस 2 sin 2π/3। अब ये वैल्यूज जो कैलकुलेट होंगी इसका आंसर नेगेटिव आएगा, ये दिख रहा है क्या सबको, यहां पे इसका आंसर नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, यस बिल्कुल आएगा। तो यहां पर नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि साइन पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, पॉजिटिव है अपने आप में, वैसे ही यहां पर साइन 2π/3 पॉजिटिव है अपने आप में, सेकंड क्वाड्रेंट का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है साइन का, लेकिन आगे दोनों के आगे नेगेटिव साइन लगे हुए हैं ना, मतलब ये क्या बनेगा आपका, नेगेटिव वैल्यू बनेगा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू बन गया देन इन दैट केस ये डायरेक्टली क्या कंक्लूड कर रहा है कि आपका एफ ट्रिपल डैश एफ डबल डैश क्योंकि पाई बाय 3 पे आपका नेगेटिव आया, इसका मतलब x इक्वल टू पाई बाय थ्री इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव आया मतलब मैक्सिमा, ठीक है। x इक्वल टू पाई बाय 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसमें तो कुछ नया नहीं किया हमने, इसमें तो nth डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, कोई बात नहीं। और आगे देखते हैं, सेकंड देखते हैं यहां पे कि एफ डबल डैश पाई पे कितना आया, एफ डबल डैश पाई अगर आप कैलकुलेट करोगे देन इन दैट केस आप देखो कितना बनेगा, यहां पे कहां गया, यहां पे साइन पाई कितना होता है जीरो, साइन टू पाई कितना होता है जीरो, ठीक है। तो यहां पे आपके पास डबल डेरिवेटिव पाई के ऊपर जीरो आ गया, मतलब पाई वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है जिसके लिए आपको हायर डेरिवेटिव टेस्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। और तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, यहां पे थर्ड वाला पॉइंट चेक करते हैं, एफ डबल डैश 5π/3, तो 5π/3 भी देखते हैं कितना बनेगा, यहां पर हो जाएगा माइनस साइन 5π/3 एंड माइनस 2 sin 10π/3, ये कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, ये वैल्यू अपने आप में कैसी है और ये वैल्यू अपने आप में कैसी है, क्योंकि जिनको मैंने सर्कल किया है वो दोनों वैल्यूज अपने आप में नेगेटिव है, लेकिन उनके आगे एक और नेगेटिव लगे हुए हैं, इसलिए ये वैल्यू कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि डबल डैश का वैल्यू 5π/3 पे पॉजिटिव आया, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 5π/3 पे क्या है वो कंक्लूड हो गया, एक्स इक्वल टू 5π/3 पे आपको क्या मिलने वाला है, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलने वाला है। यहां तक बात है समझ में, तो यहां तक की कहानी तो मेरे ख्याल से हमने लास्ट लेक्चर में ही कवर कर ली थी। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने यहां पे पढ़ा है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है, जब आपको पॉजिटिव भी नहीं मिला, जब आपको नेगेटिव भी नहीं मिला, आपको जीरो मिला, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया फेल। इसको करते हैं एक बार और डिफरेंशिएट, अगर मैं इस चीज को एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, कहां गई वो चीज जिसको डिफरेंशिएट करना है, ये रहा, ठीक है। इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल के देखता हूं मैं क्या हो रहा है, यहां पर एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना निकलेगा, चेक करो जरा, यहां पर हो जाएगा ये माइनस ऑफ कॉस एक्स एंड माइनस फोर टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2x,
ठीक है। अब यहां पे निकाल के देखते हैं कि ट्रिपल डेरिवेटिव क्या जीरो आया, अगर जीरो आएगा तो और आगे जाना पड़ेगा, जीरो नहीं आया तो यहीं से इन्फरेंस निकल आएगा, ठीक है। तो ट्रिपल डेरिवेटिव का वैल्यू एट पाए कितना निकल के आया, ट्रिपल डेरिवेटिव का वैल्यू एट पाए तो कितना हो जाएगा, कॉस पाए। अब कॉस पाए कितना होता है, कॉस पाए होता है माइनस वन, तो यहां डाल देते हैं एंड फोर टाइम्स ऑफ कॉस टू पाए। अब कॉस टू पाए कितना होता है, कॉस टू पाए होता है आपका प्लस वन, कॉस टू पाए होता है आपका प्लस वन। तो ये कैलकुलेट होकर कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट होकर आ रहा है आपके पास माइनस थ्री, ये कैलकुलेट हो गया आपके पास माइनस थ्री। अब जैसे ही नेगेटिव आया तो आप क्या कंक्लूड करोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि आपको ऑड डेरिवेटिव, ऑड डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो मिला है, मतलब फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा तो शो करेगा ही नहीं पक्के से, या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव आया इसलिए क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, यहां पर फंक्शन पाए पर डिक्रीजिंग होगा। क्लियर हुआ, एग्जैक्टली ठीक है, ऑलराइट गुड वेरी गुड। चलो यस शिवानंदिनी, ऑलराइट शिवानंदिनी यस, किंग खान, ओहो किंग खान है यहां पे, ऑलराइट किंग खान को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अरे बेटा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कहां तक, यहां तक, जहां पे आपने यहां पे पॉजिटिव निगेटिव निकाल के बता दिया, ये तो आपने फिजिक्स के जो टीचर्स हैं उनसे बहुत बार सुना हुआ होगा, ठीक है, कि क्या करते हैं हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करते हैं, ठीक है। यहां पे हो सकता है बच्चा आपको कैलकुलेशन में इसलिए दिक्कत आई किंग खान, क्योंकि आपने शायद ये वाला फंडा नहीं पकड़ा होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के जो फंडे हैं यहां पर मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, अगर मुझे दो वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो चाहिए तो मैंने बोला या तो पहला वाला वैल्यू को जीरो कर दो या फिर दूसरी वाली वैल्यू को जीरो कर दो, ठीक है। दो अलग अलग केसेस मैंने यहां पर सॉल्व किए, ये तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, या तो ये इक्वल टू जीरो या फिर वो इक्वल टू जीरो। अब वो डायरेक्टली रिजल्ट मुझे याद था कि कॉस की वैल्यू अगर मुझे जीरो चाहिए तो वो जो समथिंग इनपुट होता है वो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होना चाहिए, इसलिए मैंने इतने जल्दी इसको सॉल्व कर लिया। आप भी याद करो, आप भी इतने जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, हो रहा है क्लियर, यस। मीन वैल्यू थ्योरम कल होगा सुहानी, मीन वैल्यू थ्योरम जो है, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम हम कल करने वाले हैं, तो जिस भी बच्चों को इंटरेस्ट है वो समझने में उसने डेफिनेटली कल का लेक्चर अटेंड करना चाहिए, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। हम यहाँ पर मैक्सिमम मिना और ये जो थ्योरम्स हैं वो अगर पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट आयुष, वेस्ट बंगाल जेई के लिए आपको अच्छी बुक चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, आप तो मेंस की बुक पढ़ो, है ना, ऐसा एक पर्टिकुलर फोकस मत रखो, एक जनरल फोकस रखो, उसके बाद में फिर अलग से पेपर कर लेना आप प्रीवियस ईयर वेस्ट बंगाल के, ठीक है। ऑलराइट, हाँ यस प्रीवियस, हाँ अदर देन दोस थ्योरम्स हम बेटा कल इन्फ्लेक्शन पॉइंट का भी डिस्कशन करेंगे पक्के से, ठीक है, यस। ऑलराइट, शिवानंदिनी बोल रही है कि यहाँ पे उसको क्लियर नहीं हो पा रहा है, बेटा कोई बात नहीं, यहाँ पर जो सेशंस होते हैं सारे रिकॉर्डेड होते हैं, है ना, एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन सुनने की कोशिश करना, थोड़ा शायद स्लो स्पीड में सुनने की कोशिश करना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कभी कभी जल्दी बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वैसी दिक्कत आ रही है कि मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, देन इन दैट केस आप थोड़ा सा स्लो स्पीड पे क्वेश्चन को एक बार सुन सकते हो, ठीक है, आराम से एक बार क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ सकते हो। ऑलराइट, Why it's not increasing युवराज, क्योंकि यहाँ पे हमने बेटा दो चीज़ें निकाली थी, है ना। ऑलराइट, यहाँ पे एक बार याद कर लो युवराज, है ना, यहाँ पर क्या बोला है हमने कि अगर आपको डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो नेगेटिव मिला, ऑड के केस में अगर नेगेटिव मिला तो फिर वो डिक्रीजिंग होता है, ये हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया ना बेटा, जब हमें पॉजिटिव मिला था तो इंक्रीजिंग आया था, तो नेगेटिव पे डिक्रीजिंग होगा, और इस बार हमें नेगेटिव वैल्यू मिली है, है ना, यहाँ पे देखो कितना मिला हमें, माइनस थ्री मिला ना, तो नेगेटिव मिला तो फिर इस केस पे फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, समझे। ऑलराइट अकीब, थैंक यू वेरी मच बेटा, यस yes, आगे बढ़े क्या, आगे और भी कुछ पढ़ाना है मुझे आज। अच्छा दीपक बोल रहे हैं बहुत कुछ छूट गया है, बेटा फिर तो आपने डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर जो भी कुछ छूट गया है आपको एक्चुअली फिर से देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप वो देखो ताकि आप जल्दी से बाकियों के बराबर आ सको, लेकिन यहाँ पर ये भी कोशिश करना बच्चों। अच्छा सार्थक ही सही कि उसने कॉस्ट को ओपन करके क्वाड्रेटिक के थ्रू कर लिया, बहुत बढ़िया बेटा, है ना, अगर उससे भी आप कर पा रहे हो बहुत बढ़िया बात है, यस। ऑलराइट सौरभ, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, ओहो ये वाला कंसेप्ट तो हमारा छूटने वाला था, ऑलराइट इसको करते हैं पहले। ऑलराइट, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा मैंने आपको समझा तो दिया है, मैंने आपको जो पहला लेक्चर हुआ था मैक्सिमम मिनिमा का उसके अंदर क्लियर कर दिया है कि ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा मतलब क्या, ग्राफ का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो ग्लोबल मैक्सिमा, ग्राफ का जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो ग्लोबल मिनिमा, लेकिन उसको टेस्ट कैसे करेंगे,
अगर मैं आपको एक प्रॉपरली डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि अब बताओ मुझे ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालेंगे, तो उसकी कहानी थोड़ी सी सुननी पड़ेगी आपको, क्योंकि हमने क्या बोला था, जब भी ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा का डिस्कशन आएगा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के और आगे कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस होती है, मैं तो कह रहा हूँ एक्चुअली जो इसके पहले वाले क्वेश्चन है उससे सिंपल लगेंगे आपको आगे आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर करके देखते हैं, और जहाँ पर जो आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी देख के आपको लगेगा कि हाँ वाकई चीज़ें आसान चल रही है, ठीक है। ऑलराइट, तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा, यहां पर कहानी तो ऐसी सुनो आप कि ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा ऑब्वियसली या तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा वाला ही पॉइंट होगा, क्योंकि हो सकता है ना लोकल मैक्सिमा वाकई ग्राफ का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, जैसे कि कहां होता है क्वाड्रेटिक अगर डाउनवर्ड फेसिंग है, अगर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो फिर जो आपका लोकल मैक्सिमा वो ग्लोबल मैक्सिमा भी है। देयर कुड बी केसेस जहां पे लोकल मैक्सिमा इज सेम एज ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट होकर आया है वो ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, ठीक है, या फिर ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट होगा। तो आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन ग्लोबल का आएगा आपको लोकल वाले तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेंगे, मतलब क्या कि आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ग्लोबल के लिए भी आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम कैसी हो जाती है, अगर आपका एंड पॉइंट जो है, क्योंकि हम कैसे डिस्कशन कर रहे हैं, सबसे पहले क्लोज इंटरवल ए टू बी की बात करें, क्लोज इंटरवल ए टू बी, तो क्लोज इंटरवल ए टू बी के बीच में आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो सॉल्व किया और आपको बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट पता चल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे एक्चुअली वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट कर लो, टेस्ट वेस्ट आगे करने की जरूरत नहीं, सेकंड डेरिवेटिव एनथ डेरिवेटिव कोई नहीं पूछ रहा है आपसे, ग्लोबल वाला इसलिए कैलकुलेशन मुझे थोड़ा सा आसान लगता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो सॉल्व करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो आ गया मतलब स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए, इंक्लूड कर लो ए और बी को भी, इंक्लूड कर लो ए और बी को भी आपके कैलकुलेशन में, ए पर भी आप वैल्यू निकाल लो बी पर भी वैल्यू निकाल लो। अब ये जो इतनी सारी वैल्यूज आई हैं इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा और इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। तियाली कहानी तो वैसे सिंपल लग रही है ना। और देखो इसी चीज को मैंने लिखा कैसे है, आप क्या करोगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पता करोगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स में वैल्यूज पता करोगे फंक्शन की कितनी आ रही है, तो आपके पास एफ ऑफ सी वन एफ ऑफ सी टू एफ ऑफ सी एन सारी वैल्यूज हैं, ऑल्सो इंक्लूड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इन कैलकुलेशन। अब ये जितनी सारी वैल्यूज हैं उनमें से आप अगर मैक्सिमम वाली वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हो और बोलते हो कि वो एम वन को अलॉट कर रहा हूं मैं, तो एम वन आपका हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है, एम वन हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब ग्लोबल मैक्सिमा। और वैसे ही आप अगर मिनिमम सिलेक्ट कर लोगे उसमें से, आपके पास फिर से क्या है C1, C2, CN सब पे आपके पास क्या है वैल्यूज निकल गई है क्रिटिकल पॉइंट्स की, ठीक है, आप क्या इंक्लूड कर लो एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लो। अब ये जो सारे के सारे आउटपुट्स आए हैं इन सारे आउटपुट में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो अगर आपने सिलेक्ट कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आपका ग्लोबल मिनिमा आ रहा है और वो वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो यहां पर तो बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन अगर मैं अब ओपन इंटरवल का डिस्कशन करूं, अगर मैं ओपन इंटरवल में हूं तो यहां पे मैंने आपको बताया था बच्चों कि ऐसा केस हो सकता है कि ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ऐसा कुछ ग्राफ बना के दूं आपको, ठीक है, ग्राफिकली क्योंकि आपको क्लियर है इसलिए यहां से डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा ग्राफ बना के दूं जहां पर आपका जो लोकल मिनिमा है उससे भी नीचे आपका पॉइंट आ रहा है, ठीक है, उससे भी नीचे आपका एक पॉइंट आ रहा है, ऑलराइट, एक बार फिर से बना लेते हैं अच्छा सा ताकि आपको नीचे है वो दिखाई दे। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर केस में प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि आपका ग्राफ का लोअर मोस्ट पॉइंट ये होने वाला था विच वी आर कॉलिंग ए, और ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट ये होने वाला था विच वी आर कॉलिंग बी, लेकिन इस केस में क्योंकि ए और बी आपके इंक्लूडेड ही नहीं है, आप ओपन इंटरवल ए से बी का डिस्कशन कर रहे हो, ओपन इंटरवल ए से बी का डिस्कशन कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको आंसर देना पड़ेगा कि ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता था जहां पर एक्चुअली आपका जो लोकल मैक्सिमा है वो कुछ ज्यादा ही है, आपका लोकल मैक्सिमा कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा के नीचे तो आपको एक पॉइंट मिल रहा है तो यहां पर ग्लोबल मिनिमा तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ग्राफ को जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो तो अभी किसी एक क्रिटिकल पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो C1 आपका यहां पे मैक्सिमा का पॉइंट होने वाला है। इस चीज को अब लिखते कैसे हैं वो सुनो, यहां पर फिर से कहानी तो वैसे ही स्टार्ट करनी है, आपको क्या करना है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, क्या सॉल्व करके एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट्स पता करना है, ठीक है। ऑलराइट, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे पहले वैल्यू निकाल लो। अब यहां पर देखो मैंने यहां पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इंक्लूड नहीं किया है, आपकी बार एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, मैं क्या बोल रहा हूं पहले जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए ना उनकी वैल्यू कंपेयर कर लो, इन सब वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसको नाम दे दो एम वन, और इन सब वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू जो है उसको नाम दे दो M2, M1, M2 ऐसा नाम दे दो, ठीक है। ऑलराइट, तो अब अगर आप ये कंपेयर करो कि यहां पर
f of a और f of b में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है लेट अस से उसको आप n1 नाम दे रहे हो, f of a और f of b में से जो बड़ी वैल्यू है उसको आप n1 नाम दे रहे हो, ठीक है। अब यहां पर अगर बाय चांस ऐसा हो गया कि n1 का वैल्यू जो है वो तो m1 से बड़ा आ गया, अगर n1 का वैल्यू m1 से बड़ा आ गया है ना, n1 का वैल्यू जो है वो m1 से बड़ा आ गया, देन इन दैट केस आपका आंसर क्या आएगा, ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि ग्लोबल सॉरी मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अगर n1 का वैल्यू कम रह गया कैपिटल m1 से, देन इन दैट केस m1 इज ग्लोबल मैक्सिमा, देन इन दैट केस m1 इज ग्लोबल मैक्सिमा, समझे इस बात को, है ना। पहले तो आपने क्या किया, ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट निकाल के देख लिया, जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स थे उसके ऊपर आपने हाईएस्ट पॉइंट निकाल के देख लिया ऊपर वाले ग्राफ में, जैसे कि ये आ रहा है। फिर आपने देखा कि एंड पॉइंट्स में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो एंड पॉइंट्स में से बड़ी वैल्यू वो थी। अब आपने किसको कंपेयर किया, यहां से जो बड़ी वैल्यू आई थी और वहां से जो बड़ी वैल्यू आई थी उनको कंपेयर किया। अगर बाय चांस ये हो गया कि बड़ी वाली वैल्यू वैल्यू वो जो है वो ज्यादा है, देन इन दैट केस ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर नीचे वाला सिनेरियो है, आपने जो क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा निकाला था उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है वो, ठीक है, तो इस केस में ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। और कहां पे एग्जिस्ट करेगा, जहां पे आपको m1 मिल रहा है वहां पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और बिल्कुल सेम कहानी किसके लिए है, ग्लोबल मिनिमा के लिए, ठीक है। आपने ऑलरेडी m2 निकाल के रखा है, अब इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू अगर उस m2 से भी छोटी है तो ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अगर m2 की वैल्यू बड़ी है देन इन दैट केस ग्लोबल मिनिमा m2 पर ही होगा। थोड़ा सोच के देखो, ऐसे ही कुछ होने वाला है यहां पे, ठीक है। थोड़ा कुछ सोच के देखोगे तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, क्योंकि यहां पर आपको क्या पता है, यहां पर आपको ग्राफिकली तो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा पता ही है, ठीक है। ऑलराइट, तो जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं एंड सो दैट वी कैन रैप अप दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। ऑलराइट, यहां पर क्या बोल रहा है, फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 एंड 7। अब 0 और 7 पे यहां पर क्या लगा है, क्लोज ब्रैकेट लगा है। जब भी आपके पास क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ होगा ये डज नॉट एग्जिस्ट वाला सिनेरियो कभी आ नहीं सकता, मतलब ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। अगर ये ओपन ब्रैकेट होता तो दिक्कत होने के चांसेस थे, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट वाले आंसर्स भी आ सकते थे, लेकिन इस बार नहीं होगा, क्योंकि अगर हो रहा है एंड पॉइंट का हाईएस्ट वैल्यू तो आने दोनों हाईएस्ट वैल्यू को इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है हमारे कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। अब लेकिन स्टार्ट तो कैसे करना है, सबसे पहले हमने क्या बोला है कि आपको ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा का भी कैलकुलेशन अगर करना है तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करोगे, आप एफ डैश एक्स निकालोगे और उसको इक्वल टू 0 करोगे, तो कितना हो जाएगा ये 3x² -24x एंड +45। और इसको अगर मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन कैसी आएगी, यहां से अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास आएगा x² -8x प्लस कितना आ जाएगा, कितना 3 निकाला ना, ओहो, तो यहां पर आ जाएगा 15 इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, तो क्या फैक्टराइज हो पा रहा है, यस हो पा रहा है, बिल्कुल ये फैक्टराइज, 3 * कितना हो जाएगा ये x - 5 * x - 3 इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास x के वैल्यूज कितने आ गए, x के वैल्यू आए आपके 3 और 5। ये क्या है, ये c1 c2 वाले वैल्यूज है, मतलब ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स के वैल्यूज हैं, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स के वैल्यूज हैं। ऑलराइट, मैक्सिमा एट 3 एंड मिनिमा एट 5, ऑलराइट मोहम्मद नरुल यहां पे आंसर बता रहा है हमें, यस एग्जैक्टली। इसको मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए क्या आपको यहां पे एक और बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है क्या, आई थिंक हमने ये पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर में कि आपको अगर क्यूबिक का बेसिक नेचर पता है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले वाले पे मैक्सिमा आता है दूसरे वाले पे मिनिमा आता है, ठीक है। तो 3 पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, 5 पे आपको मिनिमम मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या मैंने आपको टेस्ट करते समय बोला था कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो, बोला ही नहीं था, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है। यहां पर मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूं, आपके क्योंकि इंक्लूडेड इंटरवल से, तो डायरेक्टली आप 4 वैल्यूज कैलकुलेट करो, एफ ऑफ 3 कितना, एफ ऑफ 5 कितना, एफ ऑफ 0 कितना और एफ ऑफ 7 कितना। अगर आपका ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करता है तो इन 4 वैल्यूज को कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा, इन चारों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ग्लोबल मैक्सिमा है, इन चारों में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ग्लोबल मिनिमा है, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान होती है, समझ रहे हो बात को, ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान होती है, समझे। यहां पर 0 डाल के तो 0 दिख रहा है बच्चों आपको, बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लो, एक बार 3 पे बताओ कितना आंसर आ रहा है, 5 पे कितना आंसर आ रहा है और 7 पे कितना आंसर आ रहा है, आप उसकी मदद से यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो 3 अगर करना है तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर 3 डालना है मुझे, पहले इसमें से x कॉमन निकाल लो, तो आपका जो एफ एक्स है वो ऐसा कुछ है, एफ एक्स इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 45, यस प्लस 45। इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर 3 डालो, पहले अंदर वाले पहले कैलकुलेट कर लो 3 डाल के,
और देखो यहाँ पे कितना आंसर आता है, और वैसे ही आप यहाँ पे 5 डाल के कैलकुलेट करो, ऐसे 7 डाल के कैलकुलेट करो, ठीक है, ऊपर वाले दोनों कैलकुलेट करो, और यहाँ पे 7 जब कैलकुलेट करोगे तो आपको एक्चुअली यहाँ पे 70 आंसर मिलेगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 5 के वैल्यूज 0 और 70 के बीच में है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, 50s में कुछ तो आंसर आएंगे। यस एग्जैक्टली प्रकाश, 70 आ रहा है इसके अंदर आंसर, बहुत बढ़िया। इफ इन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वी गेट ओनली वन रूट, ऑलराइट मिहिर आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है बेटा, है ना, अगर आपका एक ही रूट आया है देन इन दैट केस आपको उस रूट पे ये देखना है कि एफ डैश एक्स साइन चेंज कैसे कर रहा है, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है उसका साइन, देन इन दैट केस मिनिमा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा है। ये तो हमने शायद सबसे मैक्सिमम मिनिमा का जो पहला लेक्चर था उसके अंदर डिस्कस किया है, शायद दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली वैल्यूज निकाल लेनी होती है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा के लिए, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर आपका ग्लोबल मिनिमा कहाँ जाएगा, जीरो पे जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो, और ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ जाएगा, सेवन पे जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा था, इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा भी चेंज करता, अगर मैं इसको ओपन इंटरवल 0 टू 7 पूछ रहा होता आपको, देन इन दैट केस ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट एंड ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा आंसर करना पड़ता बच्चों आपको। डिफरेंस क्लियर हो रहा है, ठीक है, दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू मेक क्लियर। यहां पर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको वैल्यूज निकालनी होती है, समझे, क्लियर हो गया। ऑलराइट, हैव जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग, प्लीज गिव सम टाइम टू वॉच द अदर वीडियोज एंड कैच अप। अच्छा, यहाँ पे जयेश इज सेइंग कि इंटीग्रेशन थोड़ा लेट स्टार्ट कर दो, तो जयेश मेरे ख्याल से आपके पास बेटा एक वीक का टाइम रहेगा, है ना, एक वीक का टाइम सफिशियंट है टू गो थ्रू द कंटेंट, है ना, प्रैक्टिस तो करने में एक महीना भी लग सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, अगर आप बैकलॉग कवर करना चाह रहे हो, अगर आप अगर बैकलॉग पूरा सही चल रहा है, कोई बैकलॉग नहीं है, तब तो आपने प्रैक्टिस करते जाना चाहिए, है ना, प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना है। लेकिन आप अगर बैकलॉग कवर करना चाह रहे हो देन प्रैक्टिस थोड़ी सी कम रखो, लेकिन चीज़ें सारी समझते जाओ, ठीक है, ताकि आगे आने वाले लाइव लेक्चर्स आप अटेंड कर पाओ, ठीक है। चीज़ें लाइव समझ में ये होता है कि आपका एक तो डिसिप्लिन बना हुआ रहता है, और आप चीज़ों को कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, जैसे आप यहाँ पे मुझसे पूछते रहते हो चीज़ें, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे दीपक बोल रहा है कि सर समझ में आ जाता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ दीपक कुमार, ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो हर मेरे ख्याल से जेई एस्पिरेंट के लिए आती है, तो टेंशन मत लो पहले तो, ठीक है। आप ये समझो कि आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, आपको क्लास के कंसेप्ट अगर समझ में आ गए, तो थोड़ी हिम्मत रखोगे, आपकी सिटिंग अगर बढ़ाओगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ में ज़्यादा देर तक बैठना स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दिया, ज़्यादातर बैठना स्टार्ट करोगे तो आपको कोई ना कोई तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं से तो मिलते हुए मिलेगा, और आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे बातें बनती हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, एकदम से कोई इंप्रूवमेंट हो जाएगा या फिर एकदम से कोई चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑलराइट, चलो, तो आई होप यहाँ पे सब ने वीडियो को लाइक कर दिया है, आज हमने मैक्सिमम मिनिमा बच्चों कंप्लीट कर दिया है फाइनली। कल के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम मिनिमा को छोड़ के क्या करने वाले हैं, कॉनकेविटी का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। विद दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी आ जाएगा डिटेल में, और क्या करने वाले हैं, जैसे काफी सारे बच्चों को चाहिए कि सर रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी आखिर होता क्या है, है ना, तो कल का लेक्चर बहुत ही बढ़िया होने वाला है, कल के लेक्चर को अटेंड करना और सारे फंडे क्लियर कर लेना। यस, ऑलराइट, सो वी हैव स्पेशल गेस्ट विद अस, स्पेशल गेस्ट, तो यस, ऑलराइट, All right, special guest तो हमारे नमो सर ही हैं। All right. Definitely guys, I mean, और मैं बताना चाहता हूँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि it's a very lucky moment. आज ये declare हो चुका है कि Unacademy JEE is the most trending YouTube channel for IIT JEE. और exactly. वो मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड इट्स अ रेवोल्यूशन ऑफ सॉर्ट्स, जहाँ पे ऑब्वियसली फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो अगेन शेयर करना मत भूलना, शेयर करते exactly. रहना विद द हैशटैग JEE लाइव डेली, हम देख रहे हैं। एंड बच्चों हम ये चीज़ हर रात को करते हैं कि वी चेक, अगर आपका कोई पब्लिक पोस्ट होता है JEE लाइव डेली का, वी सेंड यू डायरेक्ट मैसेज, एंड अगेन इफ यू कीप डूइंग इट रेगुलरली आपको हमारी तरफ से कुछ बहुत ही स्पेशल मिलेगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। चलो, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर द डे, टेक केयर, बाय बाय, ओके बाय। और बच्चों एक मिनट, 11th वाले बच्चों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है, अगर आप 12th का देख भी रहे हो, 11th वाले सारे बच्चों को बता देना कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया हमने प्लस में, 24 मंथ्स, ओके, वो और भी ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है, 20, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, या ऑलराइट, बाय बाय।